नमस्ते नरेंद्र मोदी साहब, नमस्ते। काशी जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ साहब, मेहरबानी साहब, आपका शुक्रिया। लद्दाख में मौसम कैसा है? अभी तकरीबन आज थोड़ा धुंधला जैसा है सर मौसम, वैसे तकरीबन ठीक है जी। अभी टूरिस्ट आना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? बहुत से टूरिस्ट सर, बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं। जी जी। अच्छा ताशी जी, बताइए अपने विषय में, और आपको भारत सरकार की किन योजनाओं का लाभ मिला? हमें बहुत मिला सर, आपकी मेहरबानी से, आपके गवर्नमेंट की मेहरबानी से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमको जल जीवन मिशन से आपको हमको मिला है, PMYG का स्कीम से हमको घर बनाने का मौका मिला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। पहले जिस मकान में रहते थे और अब खुद का मकान मिला है, तो क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? जी पहले हमारे पास रूम होते थी, लेकिन बहुत कच्चा रूम होती थी, तो उसमें हमको बैठने का बहुत सहूलियत ठीक से नहीं होता था, क्योंकि बर्फ के टाइम पर, बारिश के टाइम पर शौचालय भी सही नहीं होती थी, हमारे पास आंगन भी नहीं होती, तो बहुत तकलीफ होता था। अभी आपके मेहरबानी से हमें पैसा मिला, तो हमको स्कीम के हिसाब से हमको पैसा मिला, हमको अपना पक्का घर मिला, बहुत मिला, अच्छा मिला, शौचालय भी बनाया, अटैच बाथरूम मिला, आंगन मिला, बहुत मैं खुशी हूँ, बहुत अच्छे हूँ सर। ताशी जी, आपने तो सेना में रह करके ये मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जवानी खपा दी, और आज आज भी आपके दिल में उतनी ही भक्ति, उतना ही प्यार बना पड़ा है, और हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप जैसे देश के होनहार नागरिकों के लिए जो भी कर सकते हैं करने का प्रयास करना चाहिए। ताशी जी, योजनाओं को प्राप्त करने में आपको कोई दिक्कतें आई क्या? सरलता से प्राप्त कर पाए आप? मेरे को कुछ दिक्कत नहीं आया जी, मेरे को जो आपका स्कीम का हमें पे ये पता चला कि आपका टीवी चैनल में पता चला, उसके बाद तुरंत मुझे आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो म्युनिसिपल कम्युनिटी है उनका टीम आके हमारा मोहल्ला मोहल्ले में आके हमें गाइडलाइन दिया कि ऐसे है, ऐसे मिलेंगे, ऐसे करेंगे, आपको कर सकता है। तो फिर हमने बोला, आपको उन्होंने ये बोला कि आपके पास ज़मीन है या कुछ है क्या? पैसा तो आपके पास नहीं होंगे, होंगे वो नहीं बताएंगे, ज़मीन है, कागज़ है क्या बोला। फिर उन्होंने हमको गोरन में आके हमारे पास आया, ज़मीन देखा, नापतोल किया, जो भी कर दिया। फिर उन्होंने बोला आपको जो मिल जाए हमें ये शुआ नहीं देंगे कि मिल सकता है कि आपको ऑफिस में आ गया, आप में हम फॉर्म देंगे, सिलेक्शन हो गया तो, ना सेलेक्ट हो तो आपको सेलेक्ट नहीं होंगे, होगा तो आपको पैसा मिल जाएंगे कहा था। ताशी जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ जो भावना आपने व्यक्त की, और शुक्रिया सर। देशवासी दूर सुदूर लद्दाख से ताशी जी को सुन रहे हैं, और मैं आज हिमाचल में शिमला में आपसे बात कर रहा हूं, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू सर। ताशी जी नमस्कार।